केंद्र के आपत्ति के बावजूद 17 पिछड़ी जातियों को हासिल रहेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। योगी सरकार का बयान, कहा हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला। अलीगढ़ के नवासी टीचर्स को बेसिक शिक्षा परिषद ने भेजा नोटिस, नियुक्ति के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप। अलीगढ़ के एक शख्स ने पेश की मिसाल, गांव में खुदवाए कई कुएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया कुंभ के आयोजन से सीख लेने का निर्देश, कहा कुंभ मेले की तरह कांवड़ यात्रा को भी बेहतर ढंग से संपन्न कराया जा सकता है। यूपी में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार, विभागों से मांगी गई सूची। प्रियंका का यूपी में कानून व्यवस्था पर ट्वीट, लिखा चरम पर अपराधियों के कारनामे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे की मोदी को चिट्ठी, जजों की नियुक्ति पर उठाए गंभीर सवाल। लखनऊ में सड़क हादसे में दो बच्चों की दर्दनाक मौत, सड़क पर खड़ा रोड रोलर की चपेट में आई बच्चियां, लापरवाही की जांच शुरू। यूपी के आजमगढ़ में एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को तंत्र मंत्र का शक। शामली में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, इलाज के लिए जा रहे शख्स से 35,000 रुपए लूटने का था आरोप। लखनऊ के पिकअप भवन में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में एक पालतू घोड़े ने अपनी जान देकर बचाई कई लोगों की जान, सपा के दो विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर के सरकारी स्कूलों के शौचालयों की हालत बेहद खराब, लोग सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। मुरादाबाद में तपती गर्मी में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है छात्र, स्कूल में पंखा तो है लेकिन नहीं है बिजली का कनेक्शन। यूपी महोबा में नाबालिग से रेप, पड़ोसी ने बेला फुसलाकर बनाया हवस का शिकार, मामला दर्ज होने पर आरोपी फरार। लखनऊ में दबंगों की दादागिरी, सीसीटीवी में कैद, फोकट में खाना नहीं देने पर दुकानदार की धुनाई की तस्वीर भी वायरल। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, बेटे ने खोली पोल, आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में कैब लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोचा, ये गिरोह पहले कैब बुक करता था फिर ड्राइवर को बंधक बनाकर कार लेकर रफू चक्कर हो जाता। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, कार और बाइक के साथ चोर 4 गिरफ्तार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।